ओम शांति। ये हॉल जो है ये बाबा का, जहाँ पर बाबा मुरली सुनाते थे, इधर ये टेप चलती होती थी, बाबा इस यहाँ संदली लगी हुई थी, यहाँ बैठते होते थे। तो ये पिछले वाले दो चित्र हैं जो सबसे पुराने, बीच में बाबा की फ़ोटो नहीं होती थी, सिर्फ दूसरी फ़ोटो होती थी। तो ये दोनों चित्र भी सबसे पहले अम्बाला कैंट से ही बने थे, तो वहीं से झाड़ और त्रिमूर्ति के झाड़ वहीं से आए थे ये बन गए। ये सारा हॉल में हार्डली कोई 30-35-40 लोग होते थे। तो बाबा तो इतने खुश हो जाते थे, इतने लोग आ गए हैं बाहर से, 40-50 लोग भी बाबा कहते बहुत आ गए, क्यों लोग है ही नहीं थे इतने चलने वाले ज्ञान में बहुत। जब हमने लास्ट दिवाली बाबा के साथ मनाई थी, तो हम बाबा के सामने बैठ के, हम छोटे छोटे थे, तो सिर पे अपना बैग रख के, बिस्तरा रख के, हम बाबा के सामने गाना गाए थे हमने, हम दीवाने शिव के चले आए हैं, देखो मिल के आए हैं, तो आए हैं मधुबन, ये बाबा के सामने हमने गाना गाया था। फिर बाबा ने हमें टोली खिलाई, आराम से गोद में लिया। तो उसके अगले दिन बाबा हमारे क्लास में बैठे थे, तो हम पूरा परिवार था आया हुआ, हम 4 भाई 1 बहन और फिर माता पिता हमारे। तो बाबा ने क्लास में मुरली सुनाते सुनाते बाबा ने हमारी सिस्टर को बोला कि बच्ची तू यहाँ रह जाएगी, सिस्टर हमारे कॉलेज में पढ़ती थी तब। तो उसने बोला हाँ बाबा रह जाऊँगी। तो बाबा ने कहा ये किसकी बच्ची है? तो हमारे साथ ध्यानी दादी थी अम्बाला गंज से। तो दादी ने बोला कहते बाबा ये इनके किशोरीलाल और प्रकाश बहन की बच्ची है, जो इनको यहाँ पे छोड़ आए हैं घूम। तो बाबा ने कहा बच्चे को ये रख लें इसको। हमारे माता पिता बोले हाँ रख लो बाबा, कोई नहीं। पर एक संकल्प चला दिल में कि हम तो खाली हाथ आए हैं, लेके तो कुछ आया नहीं, कि हमें तो पता ही नहीं बहन यहाँ रह जाएगी हमारी। तो वो कहते रख लो। तो बाबा कहते कोई नहीं बच्चे, कोई घबराने की कोई बात नहीं, आपको जो है बाबा सब बाबा के घर से मिलेगा। संकल्प बाबा ने एकदम कैच कर लिया। तो बाबा कहते बच्चे यहीं से मिलेगा आपको। तो बस वो सिस्टर हमारी यहाँ रह गए, हम 4 भाई अकेले थे, घर चले गए थे। सबसे पहला परिवार था जो हमारे 4 भाई 1 बहन थे, जो पूरा ज्ञान में चले, चारों कुमार हैं, अभी चारों भाई कुमार हैं। एक सिस्टर हमारी आश्रम में द्वारका जामनगर जो सब जोन इंचार्ज है उधर। अभी तक बड़े भाई ने जो शरीर छोड़ा, वो भी एक वंडरफुल पार्ट था। बाबा के कमरे के अंदर बाबा के सामने दृष्टि लेते हुए शरीर छोड़ा था वो, अपने यज्ञ की हिस्ट्री में वो पहले ही था, जो उसने बाबा के रूम में बैठ के बाबा के सामने शरीर छोड़ा था उन्होंने। वो भी एक वंडरफुल थी हमारे लिए, बहुत वंडरफुल हमारे अनुभव है। बाबा के जब इधर बाबा जाते हैं मुरली सुना के, फिर बाबा के बाहर निकल जाए, उंगली पकड़ के बाबा के साथ चल पड़ते थे, उंगली पकड़ के बाबा के साथ, बाबा का ही अभी फिर फूल पकड़ा देता था बाबा, तो बाबा के साथ झूला झूल लेना, बाबा के साथ बैडमिंटन भी खेलें हम बाबा के साथ। तो छोटे छोटे थे बाबा, इतने लोग तो होते नहीं थे हमें, तो इसलिए हमें बाबा का बहुत ज़्यादा हमने उसे पालना ली। ओम शांति। यहीं तक तो होता था पहले, तो यहाँ पे आगे बैठने की जगह होती थी, साथ में फूल लगे, बाबा गुलाब के फूल लगे होते थे। ये हिस्ट्री हॉल है, यहाँ से बाबा आते तो हम बाबा की उंगली पकड़ के चल पड़ते थे, छोटे छोटे तो थे हम भी, तो बाबा की उंगली पकड़ के हम यहाँ से निकलते थे, बाबा साथ साथ चल के बाबा के रूम तक निकल जाते थे। तो बाबा भी बड़े मजे से हंसते हुए, बाबा भी हंसते हुए हमें बात करते हुए हमसे, बच्चे अच्छा बच्चे कैसे हो, तो ऐसे करते हुए बाबा हमारे साथ वहाँ तक निकल के हम बाबा को छोड़ के आ जाते थे। खड़े हैं, बाबा का ये कमरा होता था जो अब बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, पहले बहुत छोटा और बिल्कुल सिंपल रूम होता था, अब बाबा के कमरे में बाबा एक खटिया लगी होती थी, जिसमें बाबा बैठते थे, या साइड में नीचे गद्दा बिछा उसमें बाबा बैठ के आराम से लिखा करते थे। रूम होता था इसी में, यहाँ बाबा बैठते थे, तो यहीं बाबा का मिलना भी यही होता, बाबा यदि हमें गिफ्ट वगैरह भी देते तो रूम में आ गए, यहीं बैठा के हमें बाबा हमसे गिफ्ट मिलते, यहीं पर हमें बाबा से मिलने थे, बाबा की गोदली लेने। आगे योग में बैठे सभी ना, योग में बैठे सभी, तो सभी उसमें यहीं से बाबा से टोली लेते थे, बाबा को गोद में मिलते थे, यहीं पर सारे बाबा मिलते थे हमें बच्चे को जाके। पहले बगीचा ऐसे नहीं था, थोड़ा सा चेंज, काफ़ी चेंज हो गया अब से, तो ये पहले खाली होता था, इधर ट्रांसपोर्ट का होता था, तो इधर बाबा बैडमिंटन खेला करते थे हम बाबा के साथ, इधर साइड में बाबा, हाँ बाबा के साथ बैडमिंटन भी खेली हमने, झूले होते थे, झूले में बाबा के साथ हम झूला झूला करते थे बाबा के साथ, इधर अंगूरों की बेलें लगी होती थी,
हाँ अंगूरों की बेलें काफ़ी बड़ी, बहुत अंगूरों अंगूर की बेल काफ़ी लगी होती थी, जिसमें सारी उस झोपड़ी भी, सारी झोपड़ी जो अब तो दूसरे टाइप में बना, पहले खपरेल की झोपड़ी होती थी, फूस फूस वाली झोपड़ी होती थी ये वाली सारी, अब तो काफ़ी मॉडर्न कर दिए ना झोपड़ी को, पहले सिर्फ फूस वाली झोपड़ी होती थी सारी। तो बाबा यहाँ पर बैठ के दोपहर को आके बाबा रेस्ट कर, यहाँ पर बाबा बैठ के पत्र वगैरह लिखा करते थे। गद्दा लगा था, बाबा यहाँ बैठा करते थे, यहीं बैठ के बाबा पत्र लिखा करते थे। रस्म तो ये सिंपल होती थी बिल्कुल झोपड़ी जो है, अब तो बिल्कुल मॉडर्न बना दी ना झोपड़ी, पहले बिल्कुल सिंपल झोपड़ी थी, सारा ये ग्रीन होता था, घास घास ही होता था, कुछ नहीं होता था, बाकी झोपड़ी में ऐसे ही चले जाते थे। ये तो झूला वो वाला झूला इधर आ गया, अब तो छोटा, अब अंगूरों की बेलें इधर ख़त्म हो गई हैं, पहले अंगूरों की बेली होती थी सारी। झूला तो बाबा का रूम इधर होता था, पहले बाबा के साथ हम झूला झूला करते, मामा मामा बाबा पहले झूलते, पहले मामा के टाइम में हम तो यहाँ नहीं आए, पर बाबा के टाइम में हम इधर आए, तो बाबा के साथ हमें झूला झूला है, बैडमिंटन भी बाबा के साथ साइड में होता था, उधर खेलते थे। अभी तक हमने जो पहले जो अभी तक हमने जो अभी देखा था वो हिस्ट्री हॉल था, फिर बाबा का कमरा था, झोपड़ी थी, अभी चौथा स्तंभ जो चार धाम की यात्रा यहाँ आकर पूरी होती है बाबा की, जो ये शांति स्तंभ है बाबा का, तो यहाँ बाबा को ला गया आखिर में, जो आखिर जब बाबा ने देह संस्कार यहाँ किया गया था, तो ये इसको शांति स्तंभ के रूप में इसको माना जाता है, तो इस यहाँ पर बाबा की अस्थियाँ यहाँ की थी बाबा ने, ये चौथा धाम यही कहलाता है, कि उसके बाद अव्यक्त तो हो गए थे बाबा, उनको जब अव्यक्त तो हो यहीं पर उनको ये क्रिमेशन उनकी यहीं पर की थी, यहीं पर उनको किया गया था, ये पहले सारा खाली था, ये साइड में रूम बाद में बने सभी कुछ, ये चौथा धाम था। चार धाम की यात्रा पूरी हो गई है, तो आपको चारों धाम का बता दिया कि पांडव भवन में चारों धाम है, तो यहीं पर आगे चारों धाम, जब तक मधुवन में आए और पांडव भवन आए तो चार धाम की यात्रा पूरी नहीं, तो आपकी यात्रा पूरी नहीं होती है। लौकिक में जो चार धाम हो, यमोत्री गंगोत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ को कहलाए जाते हैं, वो सब उत्तराखंड में है, पर जो असली चार धाम है वो पांडव भवन में है, जहाँ बाबा ने पूरे चारों धाम पूरे यात्री यहाँ यात्रा पूरी हुई, आपके सारे पूरा ही सब कुछ पूरा हो गया। ओम शांति। ये जो भाई हैं, भाई नाम अश्विनी, अश्विनी भाई, तो इन्होंने बाबा के साथ अनुभव है, बाबा के साथ रहे थे, तो इन भाई ने बताया हम लोगों की चारों धाम, मतलब लौकिक का और यहाँ का पांडव भवन का चारों धाम के बारे में बताया, तो बहुत अच्छा लगा, पूरा क्लियर करके बताया, कुछ बता दो भाई। अभी तक जो आपको बताया सारा ही ऐसा ही था, ये जो मैंने बताया कि चार धाम बाबा के चारों बाबा से ही जुड़े हुए हैं, बाबा के मुरली का कमरा, बाबा का रहने का कमरा, बाबा के रहने की झोपड़ी, उसके बाद उनका अव्यक्त होने के समय उनका जो क्रिमेशन था, वो इस जगह शांति स्तंभ जिसको कहते हैं, उस जगह को शांति स्तंभ कहते हैं। अदरवाइज तो बाहर तो जो चार धाम हो तो आपको पता ही कितनी ऊंचाई पे जाना पड़ता है, कितनी कठिनाइयों पे, यहाँ चार धाम आराम से पूरे हो जाते हैं बिना कोई कष्ट के, बिना दो कहते हैं ना गणेश ने जो गणेश और उसका हुआ था कि कार्तिक को उनको बोला कि आप पूरे दुनिया चक्कर जो पहले लगा के आएगा तो उसको वही उसी को सारा कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा जो है हमारा गणेश का हिसाब है हमारा कि जैसे गणेश चूहे में बैठ के पूरा माता पिता के आसपास चक्कर लगा के पूरा हो जाता था, उससे हमारे चारों धाम एक ही पांडव भवन में पूरे हो जाते हैं, उनको पूरा पता ही कहाँ कहाँ घूमना पड़ता है उन लोगों को बाहर जब। और मुझे ये खुशी हुआ कि मैं पहले सोच के आया था कि ये चार धाम का वीडियो बनाएंगे, तो मेरा इच्छा पूरा हुआ कि बाबा के साथ रहे हुए बच्चों ने ये वीडियो बनवाया, तो बहुत ही खुशी हुई। थैंक यू। ओम शांति।